नौतपा में मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं बुरहानपुर जिला भट्टी की तरह तप रहा है, जिस कारण सड़कों पर सन्नाटा छाया है। धूप की लपटों से बचने के लिए लोग घरों में रह रहे हैं और शहर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहरवासियों को चिंता सताने लगी है। वहीं जगह जगह इस भीषण गर्मी से बचने के लिए कोई देशी पेय तो कोई विदेशी पेय बिना पसंद कर रहा है। जिले में पिछले एक सप्ताह से 45 से 46 डिग्री तापमान बना हुआ है। जिला प्रशासन भी इस बढ़ती गर्मी के चलते कोई एडवाइस भी जारी नहीं कर रहा है। अब लोगों ने मांग की है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन अपने स्तर पर एडवाइस भी जारी करे, साथ ही जगह जगह शिविर लगाकर ओआरएस के पैकेट्स का भी वितरण कराए, ताकि जिले में बढ़ने वाले डायरिया की भी रोकथाम की जा सके। मैं तो जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अन्य शहरों में जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने धूप से बचने के लिए शहरवासियों के लिए कई जगह टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और भी जो तरीकों से धूप से बचा जा सकता है, उस तरीके के लिए अमल करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो बुरहानपुर का जो मौसम चल रहा है, तापमान 45-46 तक का चल रहा है, लू चल रही है, तो इस प्रकार से गर्मी में कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। अभी फ़िलहाल हमारे शहर के अंदर जो डायरिया का जो बच्चों पर प्रकोप चल रहा है वो तो जारी ही है, पानी की समस्या हो रही है और शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है इस गर्मी से, और रात में लू चलने के कारण खासकर बच्चों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस प्रकार से मुझे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन ने इस पर अलर्ट जारी करना चाहिए, स्कूलों की और ट्यूशनों की जो समय अंतराल है उस पर विचार करना चाहिए, शहर की पानी की समस्या पर विचार करना चाहिए और भी जो सुविधाएँ जिला प्रशासन अपने स्तर पर दे सकता है इस गर्मी को लेकर वो जिला प्रशासन ने देनी चाहिए और जल्दी ही अलर्ट जारी करना चाहिए, ताकि यहाँ से जो 10 से 12 दिन है अभी बरसात को आने में, तो और उसके उस दौरान किसी प्रकार की और बीमारी ना उत्पन्न होने पाए और जो जनता को तकलीफ ना हो पाए। गर्मियों में बच्चों को और बुजुर्गों को जिस प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं उससे भी बचने के उपाय जिला प्रशासन द्वारा निकाले जाए।